तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SSD और हार्ड डिस्क ड्राइव मतलब HDD के बारे में। इस वीडियो में सिंपली हम लोग जानेंगे कि SSD किसे कहते हैं और इस वीडियो के दूसरे पहलू में हम लोग जानेंगे कि SSD और हार्ड डिस्क में एक्चुअली क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। और अगर बात करें इस वीडियो के एकदम आखिरी पहलू के बारे में तो वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2018 में अगर आप एक PC बिल्ड कर रहे हो तो उस मामले में आपको SSD खरीदना चाहिए या फिर एक हार्ड डिस्क खरीदना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं SSD के बारे में। SSD क्या है? SSD का फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब SSD एक टाइप का नॉन वोलाटाइल स्टोरेज मीडिया है, बिल्कुल पेन ड्राइव की तरह। अब यहाँ पे नॉन वोलाटाइल स्टोरेज मीडिया का मतलब क्या हुआ, मैं आपको बता दूं कि हमारे कंप्यूटर में हम लोग जितने भी मेमोरी चिप्स यूज़ करते हैं या तो वो वोलाटाइल है या तो नॉन वोलाटाइल है, जैसे कि रैम या फिर पेन ड्राइव। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी चिप है और पेन ड्राइव एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी चिप है। अब वोलाटाइल का मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं, वोलाटाइल मेमोरी चिप्स उन मेमोरी चिप्स को कहते हैं जो मेमोरी चिप्स जब तक हमारे कंप्यूटर में कनेक्टेड है तब तक वो अपने अंदर कोई भी डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन जिस वक्त हम लोग उस मेमोरी चिप को अपने कंप्यूटर से रिमूव करेंगे उसी टाइम पे उस मेमोरी चिप का सारा डेटा जो है वो इरेज हो जाएगा। तो ऐसे मेमोरी चिप्स को हम लोग कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी चिप्स, जैसे कि रैम। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हार्ड डिस्क से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पहले रैम में लोड होता है और उसके बाद हमारा कंप्यूटर ओपन होता है। तो ऐसे ही अगर हम लोग समझ लें कि रैम एक वोलाटाइल चिप है और वहाँ पे एक पेन ड्राइव की तरह इसे समझ लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा हमारे रैम में लोड हुआ, तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेटा अभी रैम के पास है। अब अगर मैं अपना रैम रिमूव कर लूँ अपने कंप्यूटर से तो उसी वक्त रैम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटा था वो उसी वक्त इरेज हो जाएगा, पूरे रैम से हट जाएगा। तो ऐसे मेमोरी चिप्स को हम लोग वोलाटाइल मेमोरी चिप्स कहते हैं जो कि कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट होने के बाद कोई भी डेटा या कुछ भी इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करके नहीं रख सकते। तो अब बात करते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी चिप्स के बारे में। दोस्तों नॉन वोलाटाइल मेमोरी चिप उन मेमोरी चिप्स को कहा जाता है जो कि कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट होने के बाद भी अपने अंदर किसी भी इंफॉर्मेशन या फिर डेटा को सेव करके रख सकते हैं हमेशा के लिए, जैसे कि पेन ड्राइव। अब सपोज मैंने पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर में इंसर्ट किया और वहाँ पे एक मूवी कॉपी करके रख दिया और कॉपी करने के बाद मैंने उस पेन ड्राइव को डिस्कनेक्ट कर दिया अपने कंप्यूटर से और उसके बाद एक साल तक मैंने उस पेन ड्राइव को यूज़ भी नहीं किया, लेकिन जब एक साल बाद मैं उस पेन ड्राइव को दोबारा अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करूँगा तो मुझे वो मूवी सेम तरीके से देखने को मिलेगी जो मैंने एक साल पहले वहाँ पे कॉपी किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेन ड्राइव से वो मूवी कभी हटी ही नहीं या फिर जो डेटा जैसा रखा था मैंने वैसा ही मुझे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के मेमोरी चिप्स को हम लोग कहते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी चिप। दोस्तों तो यहाँ पे SSD भी एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी चिप है, बिल्कुल पेन ड्राइव की तरह, लेकिन ये पेन ड्राइव का एक बड़ा वर्शन है। ये हमें हार्ड डिस्क के आर्किटेक्चर के साथ देखने को मिलता है। अब अगर बात करें हम लोग SSD के टेक्नोलॉजी के बारे में तो SSD में सिर्फ एक फ्लैश मेमोरी कंट्रोलर चिप होता है, उसके साथ में बहुत सारे छोटे छोटे नॉन वोलाटाइल मेमोरी चिप्स होते हैं जहाँ पे हमारे कंप्यूटर का हर एक डेटा या फिर इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। दोस्तों तो अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस के बारे में SSD और हार्ड डिस्क ड्राइव के बीच में। अब अगर मैं बात करूँ सबसे पहले डिफरेंस के बारे में तो वो होगा स्पीड का डिफरेंस। दोस्तों अब अगर मैं आपके सामने एक नॉर्मल सॉलिड स्टेट ड्राइव को ओपन करूँ तो आपको देखने को मिलेगा सिंपली एक फ्लैश कंट्रोलर चिप मतलब मेमोरी कंट्रोलर चिप और उसके बाद बहुत सारे ऐसे मेमोरी चिप्स जो कि नॉन वोलाटाइल हैं। अब यहाँ पे हमारा सारा डेटा स्टोर होता है। अब यहाँ पे एक सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर हमें कोई भी मूवेबल कंपोनेंट या फिर पार्ट देखने को नहीं मिलता जो कि मूव करता है उसके बाद ही हमारा डेटा प्रोसेस होता है या फिर और कुछ होता है। तो यहाँ पे हमें वैसा कोई भी पार्ट देखने को नहीं मिलता और यही चीज़ SSD को हार्ड डिस्क से बहुत ज़्यादा फास्ट बना देती है स्पीड के मामले में। अब अगर मैं आपसे बात करूँ एक नॉर्मल हार्ड डिस्क के बारे में तो हार्ड डिस्क अगर हम लोग ओपन करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे मूवेबल कंपोनेंट है जिनकी मदद से हम लोग हार्ड डिस्क में कोई भी डेटा सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे हार्ड डिस्क में हमें देखने को मिलता है स्पिंडल मोटर, प्लेटर या फिर एक्चुएटर आर्म, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि मूव करते हैं और उसके बाद ही कोई डेटा सेव होता है या फिर रीड राइट ये प्रोसेसेस होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें परफॉर्मेंस या फिर स्पीड के बारे में तो हार्ड डिस्क और SSD में SSD बेटर निकल के आता है हमारे सामने। और यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि हार्ड डिस्क एकदम बेकार नहीं है, हार्ड डिस्क भी ओके है, लेकिन SSD हार्ड डिस्क से थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है इन टर्म्स ऑफ स्पीड या फिर परफॉर्मेंस में।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं कैपेसिटी के बारे में। तो कैपेसिटी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो फिर आप अगर SSD खरीदने जा रहे हो तो उस मामले में आपको सिर्फ 4 TB तक SSD अवेलेबल देखने को मिल जाएगी, या फिर यहाँ पे हमारे पास बहुत ऑप्शन होते हैं जैसे कि 128 GB का SSD या फिर 500 GB, 1 TB, 2 TB और 4 TB का SSD हम लोग परचेस कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूँ हार्ड डिस्क के बारे में तो हार्ड डिस्क में हमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे हम लोग 500 GB या फिर 100 GB से शुरू करके 10 TB तक हार्ड डिस्क अपने कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। अभी तो सीगेट ने नया अपना लॉन्च किया है 20 TB का हार्ड डिस्क, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्टोरेज के मामले में हार्ड डिस्क में। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल मैं बात करूँ स्टोरेज के मामले में SSD और हार्ड डिस्क के बीच में, तो SSD से यहाँ पे स्टोरेज के मामले में हार्ड डिस्क बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड और अच्छा निकल के आता है हमारे सामने, जहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा स्टोरेज अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं पावर के बारे में। तो पावर कंजम्पशन के बारे में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे SSD की, तो SSD नॉर्मली SSD में कोई भी मूवेबल कंपोनेंट नहीं है, इसलिए SSD का जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत कम है। एवरेज में अगर मैं बात करूँ तो फिर 2 से 3 वाट पावर कंज्यूम करता है SSD 30 मिनट के यूजेज के ऊपर। अब यहाँ पे SSD में कोई भी मूवेबल कंपोनेंट तो है नहीं, तो पावर कंजम्पशन ऑब्वियसली यहाँ पे हमें कम देखने को मिल जाता है। तो सर्वर लेवल में अगर हम लोग बात करें SSD या फिर कोई भी स्टोरेज यूज़ करने के बारे में, तो वहाँ पे SSD बेस्ट होगा। अब अगर बात करें हार्ड डिस्क के बारे में, तो हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क में तो बहुत सारे मूवेबल कंपोनेंट्स हैं और उनके लिए यहाँ पे पावर कंजम्पशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। मतलब SSD से हार्ड डिस्क में पावर कंजम्पशन ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ एवरेज, तो यहाँ पे 60 से 8 वाट यहाँ पे एक हार्ड डिस्क कंज्यूम करता है 30 मिनट के यूजेज के ऊपर। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है सर्वर लेवल पे अगर हमें यहाँ पे पावर कंज्यूम करना है, पावर कंजम्पशन से बचना है, तो उस मामले में SSD हार्ड डिस्क से एक बेटर ऑप्शन हमें देखने को मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लोग प्राइसिंग के बारे में। तो अगर मैं आपसे एक नॉर्मल से SSD के प्राइसिंग के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे एज अ एग्जांपल मैं WD के ब्लू सीरीज़ का 500 GB का एक SSD के बारे में बात करता हूँ, तो इसकी प्राइस हमें देखने को मिल जाती है 13,999 रुपये, मतलब ओवरऑल 14,000 रुपये। लेकिन अगर हम लोग बात करें एक हार्ड डिस्क के बारे में, तो 500 GB का एक नॉर्मल WD का हार्ड डिस्क हमें देखने को मिल जाता है 3,000 रुपये में, मतलब 2,999 रुपये में। तो यहाँ पे प्राइसिंग के मामले में अगर मैं बात करूँ तो हार्ड डिस्क ऑब्वियसली एक बेटर ऑप्शन है SSD से। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नॉइस एंड वाइब्रेशन के बारे में। तो अगर मैं यहाँ पे एक सॉलिड स्टेट ड्राइव का एग्जांपल दूँ या फिर एक SSD के बारे में बात करूँ, तो SSD के अंदर कुछ भी मूवेबल कंपोनेंट हमें देखने को नहीं मिलता जो कि मूव करता है, ऐसा कोई भी कंपोनेंट हमें देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे सारे के सारे चिप्स है, इसलिए ये जब चलता है कोई भी नॉइज़ या वाइब्रेशन हमें देखने को नहीं मिलता या फिर सुनने को नहीं मिलता दोस्तों। तो अब बात करते हैं हार्ड डिस्क के बारे में दोस्तों। हार्ड डिस्क के अंदर बहुत सारे मूवेबल कंपोनेंट्स हैं। जब एक हार्ड डिस्क रन करता है तो ये सारे मूवेबल कंपोनेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं या फिर मूव करते हैं, इसलिए हमें बहुत सारा नॉइज़ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत नॉइज़ और वाइब्रेशन हमें हार्ड डिस्क के साथ में देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो अगर बात करें नॉइज़ और वाइब्रेशन के बारे में, तो अगर आप बिल्कुल एक साउंड स्लीप वाला डिवाइस चाहते हो, स्टोरेज चाहते हो, तो उस मामले में SSD HDD से बहुत बेटर हमें देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी पहलू के बारे में, जहां हम लोग बात करेंगे अगर आप एक नया कंप्यूटर खरीद रहे हो 2018 में, तो उस मामले में आपको एज अ स्टोरेज डिवाइस कौन सा वाला खरीदना चाहिए, SSD या फिर हार्ड डिस्क। तो यहां पे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो पसंद है आप खरीद सकते हो। लेकिन मैं अगर रिकमेंड करूँ तो आप SSD तभी खरीद सकते हो जब आपके लिए परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आप ज़्यादा, आपके पास कोई बजट का लिमिटेशन नहीं है तो आप ज़्यादा स्पेंड कर सकते हो, पैसे खर्च कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कम इंटरनल स्टोरेज के साथ में खुश हो, आप ज़्यादा डाउनलोड नहीं करते या फिर फाइल्स ज़्यादा डाउनलोड करके अपने पास स्टोरेज में नहीं रखते, तो उस मामले में आप SSD खरीद सकते हो। या फिर अगर आप पावर कंजम्पशन के हाथ से बचना चाहते हो या फिर कम पावर कंजम्पशन वाला कोई स्टोरेज डिवाइस आप परचेस करना चाहते हो, तो उस मामले में SSD बेटर है। या फिर अगर आप एक नॉइस फ्री सिस्टम या कंप्यूटर चाहते हो जहाँ पर हार्ड डिस्क का नॉइस आपको नहीं चाहिए, तो उस मामले में भी आप SSD खरीद सकते हो। तो दोस्तों बात करते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। अगर आप एक ऐसे यूज़र हो जिसके लिए एकदम पीक परफॉर्मेंस मैटर नहीं करता, नॉर्मल परफॉर्मेंस में भी आप बहुत खुश हो, इसके अलावा अगर आप एक ऐसे यूज़र हो जिसे स्टोरेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो कि फाइल्स बहुत ज़्यादा डाउनलोड करता है, जिसे बहुत सारे स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है अपने कंप्यूटर में, या फिर अगर आप एक ऐसे यूज़र हो जो कि बजट में अपना कंप्यूटर खरीदना चाहता है और एक अच्छे या फिर कम बजट में ज़्यादा स्टोरेज वाला एक स्टोरेज डिवाइस खरीदना चाहता है, या फिर अगर आप एक ऐसे यूज़र हो जो कि एक सिंपल डेली टू डेली वर्क वाला या फिर गेमिंग PC खरीदना चाहता है, तो उस मामले में आप हार्ड डिस्क खरीद सकते हो, वो एक अप्रोप्रिएट चॉइस होगी आपके लिए।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप ज़रूर से लाइक कर सकते हो, इसके अलावा शेयर कर सकते हो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको ऐसे ही वीडियो कंटेंट्स फ्यूचर में भी मिलते रहें। तो बस आज के लिए ये वीडियो ख़त्म, मिलता हूँ मैं बहुत ही जल्दी एक और वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।